जिंदाबाद जिंदाबाद अशोक चौधरी जिंदाबाद 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 चंद्रिका राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सारण जिला जनता दल यूनाइटेड अब परसा की बेटी हम सबों की बेटी ऐश्वर्या उपस्थित है। मेरा निवेदन है कि कृपया आप आए और दो मिनट में अपनी बात को रखें। ऐश्वर्या मां परसा के मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक हम सबों की बेटी। माननीय मुख्यमंत्री जी, नीतीश कुमार जी, अशोक चौधरी जी, पिता चंद्रिका राय एवं मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। परसा की जनता को मेरा प्रणाम। मैं आपसे अपील करने आई हूं कि मेरे पिता को परसा से जिताएं और नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएं। मैं कुछ दिनों में आपके बीच आऊंगी और आपसे उम्मीद है कि तीर छाप पर ही बटन दबाए परसा की मान सम्मान का बात है। धन्यवाद। अब जो हमारे मित्र हैं चंद्रिका राय जी, हम भी विधायक थे 1985 में और आप भी विधायक होकर के गए थे। हमको पता नहीं है बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, जरा हथवा उठाओ। कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। यहां पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन जरा बताइए भाई ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है, जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहां पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया है उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी, आज यहां पर आए हो और चंद्रिका राय जी के बारे में कुछ बोल रहे हो। कुछ मालूम है, बच्चे हो। जब ये 1985 में आए और विधानसभा के सदस्य के रूप में हम भी थे एमएलए, और जब इनका हमने पहला भाषण सुना, हम तो थे विपक्ष में, ये थे कांग्रेस पार्टी में, सत्ता पक्ष में। जब इनकी पूरी बात हमने सुनी, हम अपने सीट पर से उठ करके इनके पास गए इनको बधाई देने के लिए कि आपने कितनी अच्छी बात की। और ये कौन थे, स्वर्गीय श्रद्धेय दरोगा राय जी के सुपुत्र, और कितना काम किया उन्होंने। हम लोग छात्र जीवन से उनके काम के बारे में परिचित हैं और आज जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमको तो लगता है कि जरूर इसके बारे में प्रकृति को जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में बात आएगी। ये कैसे हुआ आप जरा बता दीजिए। इतनी पढ़ी लिखी महिला है और क्या व्यवहार हुआ भाई, ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। ये दृश्य नहीं होना चाहिए, लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना। वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ेगा कि लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ पाप करना कितना उसके लिए खतरनाक होगा, खराब होगा। और हम लोगों को होता, और बात बताइए, आज मौका मिला काम करने का उसके पहले, और क्या स्वर्गीय दरोगा बाबू का आशीर्वाद इन लोगों को नहीं था जिनको 15 साल काम करने का मौका मिला? आप जरा समझ लीजिए, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए, और समाज में कभी भी इधर उधर का बात नहीं करना चाहिए, समाज में सच्चाई पर बात करना चाहिए। और आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने, और देख लो कितना आदमी मना किया है, कितना आदमी मना किया है, कितना आदमी मना किया है, और तुम बीच में 10 आदमी ऐसे ही हल्ला कर रहे हो, ऐसे ही हल्ला करोगे? चलो यहां से निकलो, निकलो यहां।
ये बात नहीं सुनना है तुमको। अरे वो तो आप बता ही रहे कि कौन है। इस तरह का काम किया करोगे तो जिसके लिए कर रहे हो उसी को नुकसान होने वाला है, जान लो, अच्छी तरह जान लो।